Hello all, from now on, showcasing all video recipes which I said to guests. So guest video recipes starting from video 1. Wonder what I have used here. I have taken petha. पेठा किसका फेवरेट है ये कमेंट सेक्शन में बताना। ये एक जीरो वेस्टेज रेसिपी है। इस रेसिपी में मैंने बचे हुए पेठा स्लाइसेस को कट कर लिया है जो अनयूज्ड होते हैं, कभी पड़े रह जाते हैं और घर में कोई नहीं खाता इन्हें, तो इसको कैसे किया जाए इस्तेमाल। इन पेठा स्लाइसेस को कट कर लीजिए। वन बाय वन इन्हें सेट कर लीजिए प्लेट में और जितने भी आपको तैयार करना है तैयार कर लीजिए। सेट करने के बाद इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है चॉकलेट स्प्रेड और उसका इस्तेमाल किया है। चॉकलेट स्प्रेड को एक स्लाइस पर लगा दिया है। और अब दूसरे स्लाइस को भी ले लिया है और चॉकलेट स्प्रेड के स्लाइस को दूसरे स्लाइस से प्रेस कर दिया है। जैसे चीज स्लाइस लगा देते हैं ना हम सैंडविच में, उसी तरह से। ऐसे सारे पीसेस को कर लीजिए रेडी। और अब मैंने ले लिया है चॉकलेट फेफी। चॉकलेट फेफल को यूज़ करके और उसको अच्छी तरह से क्रश करके फिंगर्स से क्रश कर लीजिए या फिर अपने पाम्स के बीच में इनको अच्छे से क्रश कर लीजिए। क्रश करके इन्हें बहुत फाइन पीसेस में भी कर सकते हैं आप इस तरह से। अब इन पेठा पीसेस को इससे कोट कर देंगे। देख लीजिए किस तरह से कोट करें। एक कोटिंग के बाद एक और कोटिंग भी की जा सकती है और उससे बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगेगा ये। अच्छे से कोट करने के बाद एक साइड पर आप रखते जाइए और इसे आपको लगे कि इसको रीकोट करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। और देख लीजिए अब हमारा स्नैक हो गया है रेडी। ये बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी रेडी हो गया है और जो बचा हुआ सामान है उसको यूज़ करके किया है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने रीकोट भी किया इसको। सारी गेस्ट वीडियो की रेसिपीज आएंगी, तब तक आप कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।